हेलो स्टूडेंट्स यू ऑल आज हम फंक्शन इंग्लिश का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे ड्रेस एंड हाइजीन ड्रेस एंड हाइजीन के बारे में तो आप पता ही है आपको कि आपको ड्रेसअप कैसे रहना है और हाइजीनिक कैसे रहना है वट डू यू थिंक इज हाइजीन हाइजीन का मतलब आप लोग से क्या सोचते हो जैसे कि आपको सबको पता है इट इज़ ऑल अबाउट कीपिंग योर सेल्फ क्लीन एंड हेल्थी अपने आप को क्लीन रखना और हेल्दी रखना फॉलोइंग अ गुड हाइजीन में बी नेसेसरी फॉर मैनी रीजन पर्सनल सोशल हेल्थ रीजन साइकोलॉजिकल और सिंपली एज ए वे ऑफ लाइफ हाइजीन रहना क्यों जरूरी है पर्सनली भी है सोशली भी आप दूसरे लोगों से मिलते हो हेल्थ रीजन भी है आप अपने आप को साफ रखोगे हाइजीन रखोगे तो आप हेल्थी रहोगे साइकोलॉजिकली भी है तो ये जरूरी है हाइजीन रहना तो मेनटेनिंग ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन हेल्प टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इलनेस एंड बेड ऑर्डर्स अगर आप अपना मेंटेनिंग करके रखोगे हाइजीन को तो क्या डेवलप क्या प्रिवेंट कर सकते हो आप इन्फेक्शन स्प्रेड करने स्प्रेड होने से आप प्रिवेंट uh, कर सकते हो इलनेस बीमार होने से बैड ऑर्डर होने से बैड ऑर्डर मतलब मान लो स्मेल आती है तो स्मेल बचाने से ठीक है तो इन, अगर आप मेंटेन रख के रखोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन कैन ऑल बी अल्टर्ड बाय आर बॉडी इमेज मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो गुड हाइजीन प्रैक्टिसज कॉन्फिडेंस रखना मोटिवेशन करना ठीक है तो ये इन सब के लिए जरूरी है आपकी बॉडी इमेज कि आपकी बॉडी कैसे दिख रही है उसके लिए आपको हाइजीन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है हाइजीनिक दिखना बहुत जरूरी है द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट यू जैसे आप अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हो वही आपके बारे में बताती है कि आपकी हाइजीनिक आप हाइजीनिक कितना हो आप कितने दिखने में कैसे साफ सुथरे लग रहे हो उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी भी वही चीज़ बताएगी मैनी जॉब इंटरव्यूज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हाइजीन बहुत इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो सबसे पहले हाइजीन देखते हैं किसी भी जो भी कैंडिडेट आता है एज ओपन डिसीजन आर मेड बाय फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर्म विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ ए मीटिंग तो फर्स्ट इंप्रेशन से ही उन्हें पता लग जाता है ये पर्सन कैसा है फर्स्ट मीटिंग में ही हैंस चांसेस ऑफ सक्सीडिंग आइदर इन वर्क और सोशल सेटिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन और जो सोशल uh, सेटिंग होती है आप सोशली मिलते हो उस पर भी हाइजीनिंग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब दबाव पड़ता है प्रभाव पड़ता है तो हाइजीनिक होनी बहुत ज़रूरी है जैसे एग्जाम्पल है आपको अपने आइडिया बताने हैं कि वेल ड्रेस्ड पर्सन कैसे होगा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है किसी स्टूडेंट ने माई आइडिया ऑफ ए वेल ड्रेस पर्सन हु इज ड्रेसड इन क्लीन क्लोथ दैट आर कंफर्टेबल एंड दैट दे इन्जॉय वियरिंग एंड ए पर्सन शुड बी ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन और ए पर्सन शुड ऑलवेज वियर ब्राइट एंड डिफरेंट कलर्स ठीक है ये भी इसने लिखा हुआ है आप और भी अपनी तरफ से बता सकते हो कि आप वेल well ड्रेस्ड होने चाहिए वेल well ग्रूम्ड होने चाहिए ठीक है वेल कोम्ड होनी चाहिए आपकी अगर आप बॉय हो तो आपका अगर बियर्ड रखते हो तो आपको वेल well, uh, वेल well कट होना चाहिए शेव्ड रहना चाहिए ठीक है प्रॉपर कट लेना चाहिए आपकी ड्रेसअप होना चाहिए आयरन होनी चाहिए ये तो ये चीज़ और बॉडी uh, ऑर्डर नहीं रहना चाहिए डियो लगा के रखो परफ्यूम लगा के रखो ठीक है तो ये ये हाइजीनिक में आ जाता है कुछ यहाँ पे आपके पास देर आर सम कॉमन टर्म्स यूज्ड एन टोकिंग अबाउट ड्रेस एंड हाईजीन अगर हम ड्रेस और हाईजीन की बात करें तो कुछ कॉमन टर्म्स है यहाँ पे सबसे पहले वेल ग्रूम्ड वेल ग्रूम्ड का मतलब अननीट एंड टाइडी पर्सन साफ सुथरा पर्सन ही इज ऑलवेज वेल ग्रूम्ड आई हैव नेवर सीन हीम लुकिंग डर्टी और शैबी जैसे हम किसी की बात कर रहे हैं कि वह पर्सन वेल ग्रूम्ड है मैंने उसे कभी भी डर्टी और शैबी शैबी भी गंदा ही बोल देते हैं डर्टी और शैबी नहीं देखा उसको पोलिश शूज़ आई ओनली वीअर पोलिश्ड लेदर शूज़ टू द ऑफिस मैं ऑफिस में हमेशा पोलिश लेदर शूज डाल के ही जाता हूँ क्लिप्ड नेल्स नेेल हमेशा क्लिप्ड होने चाहिए हम बोलते ना नेल कट होने चाहिए तो उसको हम क्लिप भी बोल देते हैं नेल क्लिप्ट होने चाहिए आप जब भी अगर ऑफिस में जा रहे हो मान लो आप टीचर भी हो या ऑफिस में भी वर्क करते हो आपके नेल कट रहनी चाहिए साफ़ सुथरे होने चाहिए वेल कोम्ब हेयर कोम्ड अच्छी तरह करनी चाहिए स्मिता लाइक स्कीपिंग हर हेयर क्लीन एंड वेल कोम्ब ठीक है आयरन क्लोथ्स क्लोथ्स भी आपके अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो आपके जो क्लोथ्स हैं वो वेल आयरन होने चाहिए आइट डजेंट मैटर वेदर आई वी आयर द वाइट शर्ट और द ब्लू वन एज लॉन्ग एज इट आयरन वेल वो कह रहे हैं कि मुझे ये मैटर नहीं है कि मैंने वाइट शर्ट पहनी है या ब्लू शर्ट पहनी है पर वो आयरन होनी चाहिए ठीक है डिओड्रेंट इट इज एडवाइजेबल टू यूज ए डिओड्रेंट स्पेशली ड्यूरिंग समर हमेशा समर में ही मतलब एडवाइजेबल होता है कि आपको डिओड्रेंट यूज करना चाहिए ताकि बैड बॉडी ऑर्डर नहीं हो रीड अलाउड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको जैसे कुछ प्रोडक्ट्स देखने हैं योर फैसिलिटर विल कंडक्ट एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस लिसन केयरफुली एंड फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये क्या हैं ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिससे आप वेल well ग्रूम्ड रह सकते हो हाइजीन रह सकते हो पूथ पॉलिश हो गया डिओड्रेंट हो गया वैसलिम लिप बाम टूथपेस्ट हो गया सोप हो गया शैम्पू ठीक है नेल कटर शेविंग क्रीम ये जो बॉय है उनके लिए है डेटोल हैंड वॉश तो ये तो है आपके आप गर्ल हो तो गर्ल के अकॉर्डिंग आप आप अपने आइटम्स के बारे में बताओ कि लिस्ट ऑफ आइटम जिससे आप वेल well ग्रूम्ड दिख सकते हो ठीक है अब देखो इनमें प्रोनाउंस का बहुत यूज हुआ है इज दिस बुक योर्स डज दिस बुक बिलोंग्स टू यू यस इट इज इज दिस योर बुक यू प्रोनाउंस क्या होते हैं प्रोनाउंस का मतलब होता है जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं जैसे ही शी इट यू दे ठीक है तो यहाँ कुछ आ, फिलिंग द ब्लैंक्स दे, दे रखे हैं आपको इनमें करेक्ट प्रनाउन को फिलअप करना है तो ये करना है आपको एक्सरसाइज में वैसे दे भी रखा है पर आप पहले कोशिश करना कि आप खुद इसको करके देखना समझ के नीचे भी एक आ, फिलिंग द ब्लैंक्स दे, दे रखे हैं पैराग्राफ में आपको वो भी प्रनाउन से करने हैं तो ये था आपका फर्स्ट सेशन एलैवेंथ क्लास की फंक्शनल इंग्लिश का ड्रेस एंड हाइजीन कि आपको कैसे वेल well ड्रेस्ड और हाइजीन रहना चाहिए आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा थैंक यू हैव अ नाइस डे